फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के फ़ायदे, फ्लैक्स सीड्स के नुकसान, फ्लैक्स सीड्स को हम अपने डेली डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और हमें कितना खाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएँ ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएँ। फ्लैक्स सीड, जिसे हम हिंदी में अलसी कहते हैं, अलसी पुराने वक्त से हमारे खान पान का अहम हिस्सा थी, लेकिन अब शहरों की ज़्यादातर रसोइयों से ये बाहर हो चुकी है। यकीनन इसमें बहुत सारे गुण थे जिनकी वजह से हमारे दादा दादी नाना नानी के ज़माने में इनका खूब इस्तेमाल होता था। अब लोग अलसी खाने की बजाय डॉक्टर से दवा खाने में ज़्यादा भरोसा रखने लगे हैं। बेहद सस्ता सा आइटम, बहुत आसान इस्तेमाल और ढेर सारे फ़ायदे हैं इसके। तो अलसी को क्यों और कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्लैक्स सीड, सबसे पहले हम कवर करेंगे अलसी के फ़ायदे। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्निन, म्यूसिलेज, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, तांबा, मैग्नीज, विटामिन B1 होता है। अलसी के बीज पीले रंग के या सुनहरे भूरे रंग के होते हैं। ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी और ये साबुत पिसी हुई या इसका तेल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए जानते हैं अलसी के फ़ायदे। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 ऑयल होता है जो कि हमें फिश से मिलता है, लेकिन शाकाहारी जो लोग होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहीं से उनको नहीं मिल पाता है, तो फ्लैक्स सीड उनके लिए बहुत अच्छा साधन है जिससे वो अपने ओमेगा 3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। वज़न कम करने में, जो लोग वज़न कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं या वज़न कम करने के लिए उत्सुक हैं या डाइटिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसको खाने से आपका पेट भरा भरा सा रहेगा और आपको भूख कम लगेगी। लोगों को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनके लिए भी ये अलसी एक रामबाण के जैसे काम करता है। अलसी से बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल, LDL जिसको हम कहते हैं, वो कम होता है और ब्लड शुगर को भी कम करती है। अलसी वुमेन के लिए बहुत अच्छी है। अलसी के रेगुलर इस्तेमाल से मेनोपॉज में होने वाली प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, के लिए भी यूज़ करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो अलसी में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, वो बालों के रोम को पोषित करके बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। तो अलसी के जेल को हम अपने बालों में लगा के हेयर फॉल को रोक सकते हैं, हेयर ग्रोथ को कर सकते हैं। जिनके बहुत ही घुंघराले बाल या फ्रीजी बाल होते हैं, मैनेज करना मुश्किल होता है, उलझते बहुत हैं, उनके लिए फ्लैक्स सीड जेल बहुत अच्छा काम करता है। फ्लैक्स सीड जेल लगाने से बाल स्मूथ हो जाते हैं और उलझते नहीं हैं, जिससे कि आपके बाल शाइनी भी दिखते हैं। अलसी के जेल को हम स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एंटी एजिंग का काम करता है। आइए अब हम जानते हैं अलसी के नुकसान। कहा जाता है कि अलसी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, और जो लोग रक्त को पतला करने वाली दवाई का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। अलसी के बीज का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आंतों में रुकावट पैदा कर सकती है, और अलसी की अधिक मात्रा में सेवन एलर्जी की प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे सकती है। तो आगे हम ये बताएंगे कि हम अलसी को कैसे खा सकते हैं। अलसी के छोटे छोटे बीजों को हमें अच्छे से चबाना पड़ता है, और जो बीज साबुत रह जाते हैं वो वैसे के वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इन्हें अगर आप सीधे मुंह खा रहे हैं तो आप खूब चबा चबा के खाइए, और अगर आप इसको पाउडर बना के खाएं तो वो सबसे अच्छा होगा। आप इसको ताज़ा पीसें और जितना ज़रूरत है उतना पीसें, कॉफ़ी ग्राइंडर में, छोटे वाले मिक्सी में। आप इसको पीस के अपने शेक के ऊपर डाल सकते हैं, ओट्स में डाल सकते हैं, आप खाना बनाते समय आटे में डाल सकते हैं, आप दाल में डाल सकते हैं, आप इसको दही में डाल सकते हैं, आप इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अलसी की हम चटनी भी बनाते हैं। मैंने अलसी के जल का वीडियो शेयर किया है कि चटनी कैसे बनाते हैं उसको भी शेयर करने वाली हूँ, और अलसी के लड्डू कैसे बनते हैं उसको भी मैं शेयर करूँगी। जो लोग अलसी को कंज्यूम कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि ये फाइबर होता है। पर्सन हमें कितनी अलसी डेली खानी चाहिए, हमें एक पर्सन के हिसाब से 2 चम्मच, जो कि 16 ग्राम ग्राउंड फ्लैक्स सीड होती है, उसको यूज़ करना चाहिए। और क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है? हाँ, ये बच्चों के लिए सेफ़ है, लेकिन बच्चों को आधा चम्मच आप डेली दे सकते हैं, आधा चम्मच ग्राउंड फ्लैक्स सीड आप दे सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।